हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में शोभा सिलाई कला। आज का मैं इस वीडियो में बताऊंगी सादा पेटीकोट की कटिंग करना और सिलाई करना। तो मेरी ये वीडियो यदि आपको अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन का बटन उसे प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। तो ये हम कपड़ा ले रखे हैं, इसको हम खोल रहे हैं। इसको पूरे अच्छे से खोल दिए। ये 2 मीटर कपड़ा है, इसे देख रहे पूरे हम अच्छे से इसको इस तरह से खोल दिए। तो ये हमारी अर्च की भाग है और ये हमारी इधर से लंबाई की भाग है। तो इसको हम अर्च के साइड इस तरीका से दोनों मुंह को पकड़ के इस तरह से दोनों मुंह को पकड़ के इस तरीका से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करके आगे की तरह एक बार अच्छे से इसको झटक देंगे। अब इसको हम झटक के इसको हम 2 फोल्ड में कर दिए। इसको हम ऐसे उठा के ऐसे इसको फोल्ड करेंगे, इस तरीका से फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करके 3 इंची के हिसाब से इसको नापेंगे। 3 इंची की हमारी बेल्ट रहेगी। तो पहले हम इसको बेल्ट निकाल लें। देख रहे 3 इंची है, इधर भी 3 इंची है। अब इसको हम काट के निकाल देंगे। तो एक हम ये बेल्ट निकाल लिए। अब इसमें से 1 इंची के हिसाब से 1 इंची पर निशान लगा के इसमें से एक नारा निकाल लूंगी। अब इसको बीच से कटउट नहीं करेंगे। अब इसको ऊपर से जिस साइड से मैं नारा के लिए कपड़ा निकाली हूँ उस साइड से मैं चुनट डालूंगी इसमें सिलाई में, इस तरीका से, इस तरह से चुनक डालूंगी। आगे 5-7 इंची छोड़ के उसके बाद चुनक डाल लेंगे। फिर पूरे में चुनक डाल देंगे तो फिर इस साइड आएंगे तो फिर इधर ही 5-7 इंची छोड़ के इस साइड से फिर इस तरीका से चुनक डालेंगे। इसको हम खोल रही हूँ। इसमें से बेल्ट और नारा को साइड में कर देते हैं और इसको पूरा खोलती हूँ। इसको हम पूरा खोल दिए। देख रहे हैं ये आर्च के साइड से कपड़ा है और इधर कोरी के साइड से कपड़ा है। तो कोरी का साइड नीचे की तरफ रहेगा और इधर से हम नारा निकाले हैं जो आप देख रहे हैं कोर फटा हुआ है, ये ऊपर के साइड रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम 1/2 इंच ऊपर की तरफ फोल्ड करके ऐसे एक बार फोल्ड किए, फिर दोबारा इस तरीका से फोल्ड करके, इस तरीका से फोल्ड करके 5 इंची तक फोल्ड करके यहाँ से एक सिलाई इसके किनारे से लगा दूंगी। तो सिलाई लगा दिए। अब यहाँ से वहाँ से नाप के 6 इंची यहाँ से छोड़ देंगे आगे की तरफ और उसके बाद यहाँ से प्लेट डालेंगे, छोटी छोटी प्लेट डालेंगे। प्लेट डाल के 1/2 इंच के अनुसार इस साइड सिलाई लगा देंगे। तो प्लेट डालते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। अब प्लेट ज़्यादा बड़ा नहीं डालेंगे, 1-1 इंची का प्लेट डालेंगे। अब यहाँ से इसको नाप लेंगे तो उस साइड तो आगे के साइड तो लगाया हम 6 इंची पीस का निशान, 1 इंची अंदर की तरफ फोल्ड कर दिए थे इसका मुंह जो मार दिए थे, तो और यहाँ तो नहीं कर रही थी तो यहाँ से 7 इंची पे निशान लगाऊंगी ये इस तरीका से और यहाँ तक चुनट बना दूंगी।
चुनट बना दिए। अब यहाँ से फिर 5 इंची नीचे की तरफ इस तरीका से नाप कर, आधा इंच इस तरीका से फोल्ड करेंगे, फिर आधा इंच इधर से ऐसे फोल्ड करके यहाँ तक तिरछी सिलाई डाल दूँगी। तो पूरे में तो चुनट हम डाल दी, अब इसको हम नापेंगे जो ये कितनी तैयार हुई इसकी चुनट बन के ये, क्योंकि 34 इंची हमको इसको कमर बनाना है। तो ये 34.5 इंची पूरा रेडी हुई, आधा इंच इसमें बेल्ट लगाते वक्त इसमें ज्वाइंट कर देंगे, अंदर एडजस्ट कर देंगे। और ज़्यादा हुआ तो इसमें यदि 1-2 इंच ज़्यादा होता तो एक चुनट इस साइड से और एक चुनट इस साइड से डाल देते 1-1 इंची का, तो एडजस्ट हो जाता। यदि इसमें कम रही है, यदि आपका बेल्ट इससे ज़्यादा बड़ा बनाना है तो 34 इंची इसका बेल्ट में बनाओगे, यदि आपको 36 बनाना है तो 1 इंची इधर से एक प्लेट इधर से खोल देंगे और एक प्लेट इधर से खोल के इसको एडजस्ट कर लेंगे, खोल देंगे तो 36 इंची पूर जाएगा, इसको एडजस्ट कर लेंगे। तो अब हम इसको सीधी साइड में पलटेंगे। ये जो सिलाई वाली भाग है ये सो आगे की तरफ जाने देंगे, देख रहे ये सीधा में आ गया। अब यहाँ से बेल्ट चढ़ाएंगे, बेल्ट चढ़ाएंगे आधा इंच यहाँ से पकड़ के, आधा इंच के अनुसार यहाँ से सिलाई करेंगे सीधी। इसको संभालते जाएंगे और बेल्ट को आगे इस तरह इस तरीका से करके चुनट को इस तरीका से संभालते हुए इस पर सिलाई लगाएंगे। अब देख रहे हैं बेल्ट से 1/2 इंच एक्स्ट्रा है, इसको अंदर के साइड यहीं पे दबा देंगे, छोटी सी चुनट डाल देंगे। अब बेल्ट की सिलाई लगा दिए पूरा, अब इसको नाखून से ऊपर के तरफ फोल्ड कर देंगे, नाखून इस पर मार देंगे। हम नाखून मार दिए, इसको फिर उल्टे की में उल्टे के साइड पलटूंगे, उल्टा सेट पकड़ के 1/2 इंच के अनुसार से ऊपर से इसको नाखून मार देंगे बेल्ट को। चाहे यहाँ पे चाहे तो आप नाखून मार के नहीं, यहाँ पे सिलाई भी एक लगा सकते हैं 1/2 इंच फोल्ड करके अंदर के साइड। इस तरह से फोल्ड कर दिए, फोल्ड करने के बाद इसको इस तरीका से उठा के, इस तरीका से उठा के, और ये जो सिलाई है ऊपर की तरह रहना चाहिए इस तरीका से, इस पर रख के एक सिलाई लगा देंगे। इस तरीका से सिलाई को ढकते हुए पे सिलाई लगा देंगे। इस तरीके से बेल्ट को सिलाई लगा दी, अब इसको फिर पलट के इधर से एक और सिलाई डाल देंगे।
अब देखिए हम सीधा हमें कर रहे हैं, सीधा की तरफ से पलट के दिखा रही हूँ कितनी फ्रेश फिनिशिंग से बेल्ट लग के हो गई रेडी। एकदम सफाई से मैं बेल्ट लगा दी हूँ, इसमें धागा वगैरह जो है वो सब निकला हुआ उसको काट के हटा देंगे। अब ऊपर की काम हो गई, अब नीचे की काम इसे करनी है। तब उल्टा साइड से काम करेंगे, उल्टी वाली भाग है सो ऊपर रखेंगे और सीधा वाला भाग नीचे रखेंगे। अब नीचे खोरी का कपड़ा है, इसको एक इंची के अनुसार से इस तरीके से फोल्ड करके इस पर सीधा सिलाई डाल देंगे। पूरे में एक सिलाई में डाल दें, फिर चाप को उठा के इस तरीका से इसको सीधा में, फिर ये सिलाई से आधा इंची की हटा से हटा के दो पॉइंट के अनुसार एक और सिलाई पे डालेंगे। ये सिलाई सीधी साइड से लगेगी और इस ये सिलाई को भी पूरा में डाल देंगे। बेस सिलाई डालने के बाद इसको सीधा इस तरीके से कपड़ा को ऊपर की तरफ खींच के, ये मुंह ये भी सीधा है और ये भी सीधा है, दोनों को सीधा में इस तरीके से मिला के सीधा वाली भाग अंदर जाना चाहिए, उल्टा वाला भाग ऊपर की तरफ आ गया। देख रहे हैं इधर भी उल्टा है और इस साइड भी उल्टा है। इसको सीधे अब यहाँ से पकड़ के ऊपर तक ऐसे मिला देंगे। बेल्ट तक, बेल्ट की तरफ से वहाँ से पकड़ के यहाँ तक नाप लेंगे और इसको सारे 5 इंच पे निशान लगा के यहाँ से सिलाई डाल दूँगे। इसको बराबर करके सिलाई इस पर लगाऊँगी। यहाँ पे एक आध दो सिलाई लगा देंगे ताकि यहाँ पे बंध जाएगी, यहाँ की सिलाई टाका मजबूत हो जाएगी। यहाँ भी मजबूत से टाका लगा दी, अब इसमें एक ही सिलाई लगती है, एक ही जॉइंट लगती है। यहाँ का धागा को वगैरह ये सब निकला हुआ सब काट के हटा देंगे, फिनिशिंग से सफाई रहेगी तो अच्छी दिखेगी। अब ये पेटीकोट बन के हो गई रेडी, सादा पेटीकोट या ये कल्ले का पेटीकोट या इससे चुनट वाला पेटीकोट भी कहिए। अब इसमें नारा बना के लगा देती हूँ। नारा को भी कटिंग कर रखी हूँ, इधर कोरी का कपड़ा है, कोर है इधर, इस साइड से कोर नहीं है तो इसको कोर नहीं है उस साइड से इस तरीका से फोल्ड करेंगे और फिर कोर वाला कपड़ा को इसके ऊपर डाल देंगे। इस तरीका से फोल्ड करके इस पर पूरे पे सिलाई डाल दूँगी। इसी के साथ सादा पेटीकोट की चुनट वाला पेटीकोट की सिलाई हुई पूरी। मेरी ये वीडियो आपको पसंद है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सने बेल आइकन का बटन ऐसे प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और जहां पे नहीं समझ में आया तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछिए, उसका मैं जवाब दूँगी। और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी मन में डाउट रह गई तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके हमसे पूछिए।